सारी साफ पता लग रहा है, बर्फ जमी हुई है। देखो ये देखो, आइस क्रिस्टल है ये सारा। ये देखो गाइस, सो कर अभी उठ चुके हैं और चाय आ गई है, चाय पी रहे हैं यहाँ से और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। तो चाय पी ली है, चलते हैं बाहर। क्या हुआ भाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? देखो नीचे बर्फ पैसे। अच्छा इसमें क्या हो गया? पेट्रोल जम गया। माइनस 10 गया होगा रात को। मीन्स जल तो जमता तो नहीं है, पर वैसे कोल्डनेस की वजह से ना चल नहीं रहा। अरे इस पे देखो ना यार, ये साफ पता लग रहा है, बर्फ जमी हुई है। देखो ये देखो, आइस क्रिस्टल है ये सारा। ये देखो, जैसे जो फ्रीजर में जम जाता ना, ऊपर देखो पूरा वाइट वाइट हो गया ये। तो अब कैसे, गर्म पानी डाला है? हाँ, अभी थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको छोड़ दिया, जब तक धूप नहीं आती, जब तक हम सेल्फ नहीं मारेंगे, क्योंकि नहीं तो बैटरी बैठ जाएगी। अगर बैटरी बैठेगी तो फिर जान दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो मामा जी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो अभी? सोलर चार्जर लगा रहे हो, मतलब लाइट नहीं है ना यहाँ पे बिल्कुल भी। तो हमारे मामा जी हैं, यहाँ पर रहते हैं ये। धूप थोड़ी थोड़ी आ गई है इधर, ये जब थोड़ी और नीचे आएगी और गाड़ी पर गिरेगी तब गाड़ी हमारी गर्म होगी, तब हम यहाँ से जाएंगे। वहाँ से चल के मैं यहाँ आ गया थोड़ी धूप सेकने के लिए, और यहाँ से सनराइज हो गया है और वहाँ पर खड़ी है हमारी गाड़ी। तो धूप आ चुकी है और जितनी भी बर्फ थी सारी देखो किस तरीके से पिघल गई है, पानी पानी हो गई है। अभी भी नहीं हो रही भाई स्टार्ट? नहीं, अभी टाइम लगेगा, थोड़ी सी और गर्म होनी है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए धूप आई, एक झलक ही आई है। नहीं हुआ अभी, कहाँ होगा स्टार्ट? कर जोर वो है ना, डाउन हिल है, जान वाले थोड़ी हो। गाड़ी स्टार्ट हो गई है हमारी, अभी धक्का लगाया था तब उससे स्टार्ट हुई, बट धूप की गर्मी से गर्म होके स्टार्ट हो गई है। देखो बैक होके आ रही है। तो वही नई प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर, कूलेंट जो है सारा निकलना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे लीकेज शुरू हो गई यहाँ पर। तो गाड़ी में एमसील लग चुकी है, चाय पी ली हमने, भाई ने हमें चाय भी पिलाई थी, और भाई जी थैंक यू सो मच। तो क्या नाम है आपका? चमनलाल। चंबा से? तो ये भी चंबा से हैं और भाई भी चंबा से हैं। तो इन्होंने कर दी हमारी एमसील, लगा दी गाड़ी में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड तक। तो थैंक यू सो मच, वेलकम सर, चलते हैं मिलते हैं फिर दोबारा। चलो जी, टांग लिया पूरा सामान, अब बैठेंगे इनमें से किसी एक ट्रक में जो पीछे खड़े हैं मेरे, आप देख ही सकते हो, इनमें हमें लद्दाख तक की ट्रिप मिल गई है। ओके ब्रो, ठीक है भाई, बाय, मिलेंगे फिर, ठीक है।
हमें इन ट्रक्स के अंदर अब लद्दाख तक की लिफ्ट मिली है। तो हमें लिफ्ट मिल गई है लद्दाख तक और हमारे साथ सुजीत प्रवीला, सुजीत प्रवीला जी हैं। और सर आपका नाम? लखवीर सिंह जी हैं जो हमें लद्दाख तक छोड़ेंगे। तो ब्रेक ले लिया है, इस ट्रक में हमें आज लिफ्ट मिली है और हमारे साथ ये दो भाई हैं। और देखो भाई क्या नज़ारा है इधर, बहुत मज़ा आ रहा है यार। मेरे ट्रक का जो एक्सपीरियंस है ना इसमें सफ़र करने का, मतलब क्या बताऊँ, मतलब इसका एक्सपीरियंस अल्टीमेट है। हमारे साथ चल रहे हैं ये चार ट्रक, आप देख सकते हो। एक ट्रक ये है और एक ट्रक उससे आगे जिसके अंदर मैं बैठ के जा रहा था अभी, वो वहाँ पर। अब चल रहे हैं अंदर और चलते हैं अपना। बाकी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बढ़िया है एकदम, धूप अच्छी आ रही है और साथ में ठंडी हवा भी चल रही है। चलो भाई जी बजाओ एक बार और, बजाओ यार, डांस करेंगे ना। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया सूरज ताल, यहाँ पर लोग फोटोग्राफी करवा रहे हैं। नेटवर्क बिल्कुल जीरो है यहाँ पर, तो हमें कुछ पता भी नहीं है कितना टेम्परेचर है एग्जैक्ट, बट 0 डिग्री ही है यहाँ पर क्योंकि तभी बर्फ जमती है। तो ऐसे ट्रकों को पास देना पड़ता है रुककर ऐसे चढ़ाई पर। तो अब हमारी बारी है चढ़ने की, ये है इस तरीके से हम इधर चढ़ेंगे। अब फाइनली वी रीच्ड एट बारालाचा 4,850। और ऐसी ही हमारी और जर्नी और ऊंचाई पर चढ़ती जा रही है अभी। I said,